प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री वर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह नंबर बढ़ाने के लिए मोदी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रताप नड्डा यानी कि जेपी नड्डा के इंदौर दौरे के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में देश के पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से की थी, जिसके बाद प्रदेश के कई कांग्रेस नेताओं ने शिवराज को आड़े हाथों लिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि वह भी भारी प्लस स्टेशन वे आत्म यंत्रणा के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लाइमलाइट में कैसे रहा जाए। मंत्री वर्मा ने कहा कि नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूर्व सीएम चौहान ने पीएम मोदी के भगवान से तुलना करके अशोभनीय कार्य किया है। शिवराज चौहान बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, आत्म यंत्रणा के दौर से गुजर रहे हैं। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं लाइमलाइट में कैसे रहूं, क्योंकि उनके समकालीन लोग उनसे आगे निकल रहे हैं। कोई राष्ट्रीय महामंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री बन रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। और नरेंद्र मोदी के सामने नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें भगवान की से तुलना कर रहे हैं। ये नराधाम व्यक्ति ही सोच सकता है, एक ईश्वर जिसने ब्रह्मांड बनाया उससे नरेंद्र मोदी जैसे तुच्छ मानवों की तुलना करना, ये शैतानी काम शिवराज को सोहा नहीं देता। साथ ही लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ व तमाम मंत्रिमंडल के लोगों द्वारा शांति मार्च निकाला जाएगा, जिसे विपक्ष आंदोलन करार दे रहा है। मंत्री वर्मा के मुताबिक यह देश महंगाई से गुजर रहा है, 6 राज्यों में हारने के बाद भविष्य में इन्हें केंद्र की कुर्सी भी खतरे में दिख रही है, जिसको बचाने के लिए अब यह धर्म व जाति का पासा फेंक कर राजनीति कर रहे हैं। साथ ही सज्जन वर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में अंग्रेजों को भगाने के बाद आजादी मिली है, अब भाजपा ही काले अंग्रेजों को भगाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में परिणाम आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक और सफलता मिलेगी। देखिए, ये आंदोलन नहीं है। जो कमलनाथ जी 25 तारीख को भोपाल में मार्च निकाल रहे हैं सारे मंत्रिमंडल और अन्य साथियों को लेके, ये शांति मार्च है इस प्रदेश की जनता में एक विश्वास पैदा करने के लिए कि आप चिंता मत करना, देश के तमाम कोनों में आग लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के इस गलत निर्णय से, मेरा प्रदेश महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं NRC लागू नहीं करूँगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। इसलिए शांति मार्च निकाल रहे हैं। शांति मार्च को आंदोलन का नाम देना धरने का, ये मूर्ख व्यक्ति कर सकते।